हरे कृष्ण। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस की अक्टूबर की एनर्जी चेक करेंगे। तीन डेक है, तीनों में से तीन तीन कार्ड लेंगे। एक, दो, एक, दो और ये हो गए। एक, दो और ये हो गए। पहला जो कार्ड आया है वो है एट ऑफ सॉर्ड का, यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो आपके जैसे ही किसी साइन के साथ शायद आप इस मंथ में डील करने वाले हैं। इट इज अवर फियर दैट अनेबल अस टू मूव फॉरवर्ड। यू नो हाउ टू फ्री योरसेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड डोंट पैनिक। तो ये कार्ड वही बताता है कि कई बार हमारे अंदरूनी ख्याल ऐसे होते हैं जो हमें थोड़े से डरा देते हैं, और उन्हीं डर की वजह से, उस फीलिंग की वजह से हम जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ने से खुद को रोकते हैं। तो अगर ऐसा आपको लगे कि ऐसा आपकी लाइफ में कुछ लम्हा आ रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि अंदर से आपको कोई रोक रहा है आगे बढ़ने से, तो आपको करना सिर्फ यही है कि उस एनर्जी से खुद को फ्री करना है। और वो कैसे करेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ एंड डोंट पैनिक। तो एक गहरी सांस लेके खुद को रिलैक्स करना है और किसी भी हालत में पैनिक नहीं होना है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन, एंगर ऐसा कुछ भी फील नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करनी है अगर आपको लगे कि आपको थोड़ा सा किसी बात को लेकर डर सता रहा है। इसके ऊपर का जो कार्ड आया है वो है हरी अप। तो अगर आपको किसी बात को करना है काफी दिनों से, मतलब आपने कुछ प्लान ऐसा किया है जो करने के लिए आप काफी वक्त से अगर सोच रहे हैं, और शायद उसी बात को सोच के आपके मन में कोई डर भी है जो आपको सता रहा है, आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो ऐसी अगर कोई बात है तो आपको एज सून एज पॉसिबल यानी कि जल्द से जल्दी उस बात की तरफ एक्शन लेनी है, यानी कि आपके डर के ऊपर आपको काबू पाना है। और वो कैसे करेंगे, जो बात आपने काफी वक्त से सोची है करने के लिए वो आखिरकार कर देनी है आपको। इस मंथ में चांसेस है कि आप बिजनेस माइंडेड ज्यादा रहेंगे। हो सकता है आपने जॉब वगैरह भी, करियर कुछ चेंज करने के बारे में सोचा है, मे बी उस बात को भी लेके कोई डर सता रहा है। लेकिन एक बात गौर करने जैसी है, जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे अगर हमारा मन नहीं लगता और हम फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में या फिर पैनिक होते रहते हैं वहाँ पे काम करते हुए उस माहौल में, तो हम पूरी तरह से अपनी जिंदगी जी नहीं पाते, भले ही हमें सैलरी कितनी भी अच्छी क्यों न मिल रही हो। तो ऐसी हालत में भले ही थोड़ा सा पैसा कम मिले, लेकिन मन को अगर सुकून मिलना है तो कुछ जॉब चेंजेस का ऑप्शन के बारे में सोचना या फिर उस तरफ कुछ माइंड डाइवर्ट करना, ये भी कई बार पॉजिटिव रहता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई अपना करियर चेंज करे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में फ्रस्ट्रेटेड होके, डिप्रेस्ड होके या फिर पैनिक होके वही एक जगह पे ही अपने मन के खिलाफ सिर्फ पैसों के लिए काम करने से जिंदगी में हासिल कुछ नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप, फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, आपके ही जैसा जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, यू नीड टू टेक रेस्ट, गिव योरसेल्फ द टाइम एंड स्पेस
टू रिन्यू बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, तो शायद आप अपने काम के प्रति कुछ ज्यादा ही अपना बेस्ट दे रहे हैं। इसलिए ये कार्ड आपको बता रहा है कि टेक रेस्ट, आपको खुद को थोड़ा सा वक्त देने की जरूरत है और साथ ही साथ एक अपनी जगह जिसमें आप खुली हवा में अपने लिए सांस ले पाए, अपनी बॉडी और माइंड के साथ ही अपने स्पिरिट यानी कि सोल लेवल तक को भी आपको एक रिलैक्सेशन महसूस होने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो मे भी कुछ वक्त से शायद आप किसी बात को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, इसलिए आपको पहला कार्ड ही आया था कि आपको पैनिक नहीं रहना है इस मंथ में और इसलिए आपको जो जरूरत है वो है रिलैक्सेशन की। तो कहीं ना कहीं से यूनिवर्स की तरफ से शायद आपके लिए एक ऐसा क्लू आपको मिल रहा है जिसकी वजह से शायद आप कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और वो क्लू शायद आपके बेनिफिट के लिए ही है। कॉन्फिडेंस, तो अगर आपको ऐसा कोई क्लू मिल रहा है तो आपको करना सिर्फ इतना है कि कॉन्फिडेंस के साथ उस दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि कई बार हमें क्लूज मिलते रहते हैं लेकिन हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें पूरा भरोसा नहीं होता, हम कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो हमारे लिए ऑप्शन सही है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज का डोर आपके सामने ओपन हो रहा है तो व्हाई नॉट। वैसे भी परमानेंटली तो कुछ दुनिया में है ही नहीं, अपनी खुद की सांसों का भी तक हमें कुछ भरोसा नहीं है, बात करते करते कब सांस रुक जाए ये भी कोई बता नहीं सकता, ऐसे में भला कितना सोचेंगे। और सोच सोच के भी कई बार आप ऑलरेडी एयर साइन के होने की वजह से काफी ज्यादा डीप थिंकिंग भी होती है, लेकिन सोच सोच के कई बार हम अपने दिमाग में अटक जाते हैं और जिस वजह से हम जिंदगी में ना तो खुद आगे बढ़ते हैं ना ही अपने सपनों को आगे बढ़ता है देख पाते हैं। तो ऐसे अगर आपको एनर्जी कुछ फील हो रही है तो आपको कॉन्फिडेंट होके अपने सपनों की तरफ कोई एक्शन लेनी है। जस्टिस, हैव अ फेथ इन कर्मा, यू रीप व्हाट यू सो, इट्स अबाउट फेयरनेस ट्रूथ एंड बैलेंस। तो ये तो कर्मा का बैलेंस है ही, जो बोओगे सो पाओगे। कई बार हमारे साथ ऐसे कुछ हादसे हो जाते हैं जिसकी वजह से हम सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया है, फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ। लेकिन ऐसे वक्त पे खुद को समझाना है कि कहीं ना कहीं भगवान हमारे साथ है, जिस वजह से हमारे साथ ये जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा शायद बुरी होने वाली थी, लेकिन उसकी कृपा की वजह से वो बात वहीं पे रुक गई। तो हो सकता है करियर को लेके आप में भी हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसी कोई एनर्जी है जिसकी वजह से आप जिंदगी में थोड़ा सा सैड है, लेकिन ये याद रखना है कि आफ्टर ऑल हम जिंदा तो हैं, जान है तो जान है। वैसे ही अगर ऊपर वाले का हमारे ऊपर दृष्टिकोण रहा, उसकी नजरें रही, तो हम वो सपने जरूर पूरे कर पाएंगे जो हमने सोचा है। आफ्टर ऑल ये जिंदगी उसी की तो देन है और इसीलिए कई फैसले हम जब हमारे हाथ में लेते हैं और उसके नतीजे हमारे मुताबिक नहीं हो पाते तो हम फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा होते हैं। तो ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना है, रिजल्ट वो देख लेगा। बाकी सब बात होती है सच्चाई की, बैलेंस लाने की और फेयरनेस की। तो अगर आपको लगता है कि आप सच्चे दिल से कुछ कर रहे हैं और यही बैलेंसिंग की एनर्जी है, मतलब ये वही है जो आप करना चाहते हैं और वो आपका दिल से करने का मन हो रहा है, तो गो अहेड, टुगेदर वी सर्वाइव। कई बार हमारे साथ जो लोग होते हैं वो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसे भी कुछ हादसे हमारी जिंदगी में हो जाते हैं कि जब हमें थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है, टुगेदर वी सर्वाइव, जब हमें हमारे अपनों का साथ मिलता है तो एक नई हिम्मत मिलती है जीने को, एक हौसला मिलता है। तो ऐसा ही हौसला शायद आपको अपनी फैमिली की तरफ से ऑलरेडी मिल रहा है और इस मंथ भी शायद बहुत ज्यादा मिलने वाला है। स्टेबल, तो आप जो भी करेंगे इस मंथ, यानी कि आपके करियर को रिलेटेड हो या फिर अपने इमोशंस को लेके, उस एनर्जी को आपको बैलेंस स्टेबल एनर्जी में लाने की कोशिश करनी। जैसे यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है इस बदक का, वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी शांत है। वैसे ही खुद को शांत रखना है ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिले कि आपको मन को भी सुकून मिले और साथ ही साथ आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या करके आपके दिल को वो सुकून मिलने वाला है उसके बारे में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।